विधानसभा चुनाव दहलीज पर होने के कारण राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर जारी करते हुए नया विवाद छेड़ दिया है। इस पोस्टर पर लिखा है, 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर में एक किसान की तस्वीर है। जब कई मीडिया संस्थानों ने इसकी जांच की तो पाया कि ये किसान जैसलमेर के रहने वाले हैं और उन पर कोई कर्ज नहीं है, ना ही उनका कोई भी जमीन नीलाम हुआ है। ये बात सामने आते ही बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है। इधर शनिवार को इस पोस्टर में दिख रहे किसान माधुराम जयपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की थी। माधुराम जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र के रिखिया के ढाणी के रहने वाले हैं। शनिवार को माधुराम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। उन्होंने सीएम को बताया कि भाजपा वालों ने मुझे बदनाम कर दिया। गांव में चाय पीने जाते हैं तो दुकानदार पहले पैसे मांगते हैं, कहते हैं इतनी सारी जमीनें नीलाम हो गई हैं। इस पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने एक वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर भी किया, जिसमें वो माधुराम और उनके बेटों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। अब इस पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जो है माधुराम बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के होंगे, वो घर पे आए, सीएम आर में आए और आप विश्वास करो इतना भावुक हो गया, क्योंकि मेरे पास 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है और मेरी फोटो रास्ते अंदर में लगा दी उन्होंने कि कर्जा जो है लेकिन जमीन कुड़क हो गई, तो मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं चाय पीने गया ढाबे के अंदर तो उसने कहा बाबा पहले पैसे दे। जो मैं अकेले कह रहा हूँ, बेटा साथ था, उनके गांव के लोग साथ थे, वो भावुक आदमी था, वो कह मेरे को चाय के पैसे मांग लिए। अभी तक तो मेरी गुडविल थी, 200 बीघा का मालिक है, बड़ा किसान है, पर मुझसे पैसे मांग ले, पहले पैसा दो फिर मैं चाय दूंगा। ये उसका मेरे ख्याल वीडियो वायरल भी हुआ होगा, मेरे ख्याल से देखा होगा आप लोगों ने। ये हकीकत है, देखिए बीजेपी की हकीकत थी चुनाव के शुरू में ही। हाँ, वो क्या कह रहा, मुझे बार बार कह रहा है सब मेरे पोस्ट हटवा दीजिए, मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैं बाबा लगा रहे थे मजा आ गया, तुझे नेता बन गया है या नहीं? नहीं साहब, नहीं नहीं, मेरी बेइज्जती हो रही है कि मेरी जमीन कुड़क हो गई है और मेरी कुड़क हुई नहीं है, ना मैंने कोई लोन लिया है। मतलब बताइए, ये बीजेपी का चेहरा है, जो भी अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको, इस चेहरे के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। अब ये माधुराम के चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे, आप समझ जाइएगा। बीजेपी का चेहरा जो है माधुराम का, वो राजस्थान भर के सामने रखेंगे। ये बीजेपी चेहरा है माधुराम। बता दें, मुख्यमंत्री से मिलकर किसान ने कहा कि गांव में उनका विश्वास खत्म हो गया है, हमें सरकार की पेंशन भी मिलती है। सीएम गहलोत ने किसान को विश्वास दिलाया है कि पोस्टर से उनकी तस्वीर हटवा दी जाएगी। किसान ने दावा किया है कि उस पोस्टर में लगा फोटो उन्हीं का है जो बिना इजाजत के बीजेपी द्वारा इस्तेमाल किया गया है। किसान का ये भी कहना है कि उन पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उनकी जमीन नीलाम हुई है, वो 200 बीघा जमीन के मालिक हैं। ऐसे में अब किसान के परिजन बीजेपी पर मानहानि का केस करने की भी बात कह रहे हैं।